नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए एक नज़र डालते हैं देश और दुनिया की सुर्खियों पर। एस डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाया गया। महाराष्ट्र संकट पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अहम बैठक शुरू। इंदौर खंडवा रोड पर खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत, 40 घायल। महाराष्ट्र संकट के बीच जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली जा रहे असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। शाहिद अफरीदी को पछाड़, रोहित शर्मा के पास सिक्सर किंग बनने का मौका, फिर भी यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल से रहेंगे कोसों दूर। 1 अक्टूबर से अगले साल 28 फरवरी तक दिल्ली में भारी माल वाहनों के प्रवेश पर रोक। ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। पीएम मोदी ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश 25 जून को कुल्लू में रोड शो करेंगे सीएम केजरीवाल और मान। अगर जरूरत पड़ी तो विपक्ष में बैठकर जनता की सेवा करेंगे कांग्रेस। असम की जगह विधायकों को बंगाल भेजो, अच्छी खातिरदारी करेंगे। महाराष्ट्र संकट पर बोली ममता बनर्जी। संजय रावत का ऐलान, विधायक चाहते हैं तो महाविकास अघाड़ी से निकलने को तैयार। अग्निपथ की आग में फूकी गई हजारों करोड़ की संपत्ति, रेलवे को 1 दशक में भी नहीं हुआ था इतना नुकसान। अग्निपथ स्कीम के लिए आवेदन करने वालों को करेंगे बहिष्कार, हरियाणा में खाप पंचायतों का ऐलान। जब चंद्रबाबू नायडू ने ससुर एनटीआर के खिलाफ की थी बगावत, सीएम की कुर्सी और पार्टी दोनों पर कर लिया था कब्जा। खुद अपना बजट भी नहीं बना सकता पाकिस्तान, आईएमएफ ही सब तैयार कर रहा है, शहबाज शरीफ की मंत्री ने कबूला सच। जौनपुर में गैस रिसाव से 5 झुलसे, बचाने की कोशिश करने वाले समेत 3 की मौत। वोटिंग के बीच प्रशासन पर भड़की सपा, ईसी से शिकायत, अब्दुल्ला आजम बोले ऐसे चुनाव से कोई फायदा नहीं। तमंचे पे डिस्को करते झांसी पुलिस का वीडियो वायरल, दरोगा समेत 8 सस्पेंड, थानाध्यक्ष पर कार्रवाई। यूपी जुम्मे की नमाज से पहले अधिकारी फास्ट, धर्म गुरुओं और संभ्रांत लोगों संग बैठक। दिल्ली भ्रष्टाचारियों पर उपराज्यपाल का एक्शन, 3 अधिकारी को किया निलंबित, सीएम ऑफिस में तैनात उप सचिव भी शामिल। जब पानी पर उठे सवाल, कुर्सी छोड़ खड़े हो गए अरविंद केजरीवाल, सीट छीनने का आया प्रस्ताव। घरेलू कलह से तंग आकर इंस्पेक्टर ने किया आत्महत्या का प्रयास, व्हाट्सएप स्टेटस देख नोएडा पुलिस ने बचाया, पत्नी पर लगाया आरोप। दिल्ली मोहन गार्डन इलाके में मिली लड़की की लाश, शरीर पर है चोट के कई निशान, मौके पर पुलिस क्राइम टीम। केपी एक्सप्रेस में इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।